गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल महिमा अजय रील्स। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने अपलोड करने जा रही हूँ वो वीडियो है सर्वाइकल पेन में। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, हर किसी को देखने को ये प्रॉब्लम मिल जाती है। तो इसमें जो सर्वाइकल पेन होता है उसमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस वजह से होता है ये इसमें होने के क्या कारण होते हैं और हमें क्या क्या इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें घरेलू उपचार करने चाहिए, वो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ये सर्वाइकल पेन हो गया, तो जिस वजह से मुझे लगा कि जो वो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं या फिर जो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं वो सभी कुछ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल जो होता है वो होता क्यों है। तो सर्वाइकल पेन होता है वो होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी इम्बेलेंस हो जाती है, वो किसी तरह से उसका पोस्चर ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से जो है सर्वाइकल होता है। जो नॉर्मल पेन होता है गर्दन का वो एक दो दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपका पेन एक दो दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने किसी न्यूरोसर्जन को या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, चेकअप कराएँ, MRI कराएँ, CT स्कैन कराएँ, जिसमें कि सर्वाइकल जो होता है वो पता चल जाता है हमारा। अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल में आपको किस किस घरेलू उपचार की ज़रूरत होती है। तो सर्वाइकल में जो गाय का बना देसी घी होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, दूध आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, हल्दी का सेवन करें दूध में डालकर, कैसे भी करें आप हल्दी का सेवन करें, गूगर जो होता है गूगर का सेवन आप करें, गूगर भी बहुत अच्छा होता है सर्वाइकल पेन में। और इसके लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत होती है। तो ये प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको ज़्यादा देर तक एक पोस्चर में बैठ के काम नहीं करना है, आपको ज़्यादा देर तक मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, मोबाइल में गेम नहीं खेलना या कुछ भी, मोबाइल आप ऐसे झुक के देखते हैं तो वो काम आपको नहीं करना है। साथ ही साथ किसी ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा सॉफ्ट पिलो का यूज़ नहीं करना है आपको। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको अपने घर पे फॉलो करने हैं। साथ ही अब मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्यों है। तो सर्वाइकल होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं सर्वाइकल होने के, तो जिसमें से कि सबसे मेन होता है कि आप किसी एक्सीडेंट हो गया है आपका, तो आपकी जो हड्डी है या नस है वो टेढ़ी हो गई है या वो इम्बेलेंस हो गई है, उस वजह से होता है। सेकंड कारण है कि आपकी उम्र बढ़ जाती है, तो उम्र बढ़ने की वजह से भी ये हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है कि जब वो आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है उस वजह से भी सर्वाइकल हो जाता है। साथ ही आप एक पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठ के काम कर लेते हैं, मोस्टली जब ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है या फिर जो लोग मोस्टली स्क्रीन के सामने लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल पे झुककर वीडियो गेम खेलते हैं या वीडियोस देखते हैं या जो भी कुछ अपना मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे ये लक्षण होते हैं कि जिस वजह से सर्वाइकल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्वाइकल के लिए आप अपने घर पे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं घर पे, जिस वजह से सर्वाइकल जो है आपका जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम तो लगता है ठीक होने में, लेकिन आप इन एक्सरसाइज को करके अपने घर पर ही सर्वाइकल को अच्छे से क्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इसमें जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेज और डेली रूटीन बता रही हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो करें, तो आपका सर्वाइकल पेन जल्दी से जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और पेन भी आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको सबसे मेन चीज़ एक याद रखनी है कि आपको धूप लेनी है, नंबर सेकंड आपको सिकाई करनी है गर्म और ठंडी, एक बार आपको गर्म बैग हीट बैग लगाना है अपने नेक पे और एक टाइम आपको ठंडी करनी है सिकाई, इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी अपने पेन को क्योर कर पाएंगे। तो आप इसके लिए वीडियो को ज़रूर देखें और जो जो टिप्स जिस तरीके से मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उस तरीके से आप एक्सरसाइज अपने घर पर दिन में 2 बार ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट सरफेस पे मैट बिछा के कैसे भी बैठ जाना है और अपने लेफ़्ट हैंड से आप अपनी नेक को साइड में, लेफ़्ट साइड में ही जिस हैंड का आप यूज़ कर रहे हैं उसी हैंड से आपको अपनी नेक को उसी साइड में खींचना है। तो अब देखिए मैं राइट हैंड से, तो राइट हैंड से राइट साइड में अपनी नेक को आप पुश करिए और 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है उसी पोस्चर में और फिर रिलैक्स। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 10 टाइम मॉर्निंग में और 10 टाइम ही आपको इसको इवनिंग में करना है। लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट साइड में नेक को खींचेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, राइट हैंड से नेक को राइट साइड में खींचेंगे और 10 सेकेंड इसी पोस्चर में होल्ड करेंगे। इसी तरीके से आपको 10 टाइम करना है। नाउ रिलैक्स,
सेकंड एक्सरसाइज, आपको लेफ्ट, अपनी नेक को लेफ्ट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ आपको पुश करना है, मतलब पीछे की तरफ मोड़ना है आपको, फिर अगेन राइट साइड में मोड़ना है। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को 10 times कंटिन्यू करना है, 10 times मॉर्निंग और 10 times इवनिंग। और ध्यान रहे, जब आप इसको स्ट्रेच करें अपनी नेक को, तो उसको थोड़ी 10 seconds होल्ड भी करना है। नाउ रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज, आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से अपने हेड के पीछे लेके जाना है और अपने हाथों की मदद से अपने सिर को नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ झुकाना है। फिर दोबारा में आपको हेड को अपने को पीछे की तरफ पुश करना है और 10 seconds होल्ड करना है। आपको होल्ड हर एक्सरसाइज को 10 seconds मिनिमम करना ही है। देखिए, इसको नीचे की तरफ पुश करिए और इसी पोस्चर में 10 seconds होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स, देन पीछे की तरफ पुश करिए अपनी नेक को और 10 seconds होल्ड कीजिए। और ये एक्सरसाइज भी आपको 10 times करनी है। नाउ आपको अपनी नेक को लेफ्ट से राइट की तरफ क्लॉक घुमाना है। आपको एक बार आपको क्लॉकवाइज करना है 10 times, देन एंटी क्लॉकवाइज आपको 10 times करना है। तो देखिए, इसी तरीके से अब ये एंटी क्लॉकवाइज आप अपनी नेक को घुमाइए और इसको भी इसी तरीके से 10 times आप इसको करिए। ये सारी एक्सरसाइज आपको सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। नाउ सेकंड, आपको अपनी पाम को अपनी हथेली से आपको अपने फॉरहेड पे रखना है साइड में और उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। ये देखिए, अब सेकंड हैंड को आप यूज़ करेंगे, उसकी अपनी हथेली को लगाएंगे सिर पे और उसको दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे। और इस तरीके से भी 10 seconds होल्ड करके आपको हर पोस्चर में 10 seconds आप होल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप 10 seconds होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 times मॉर्निंग और 10 times इवनिंग में करना है। ये देखिए, पुश करिए और होल्ड करिए 10 seconds। नाउ आपको अपनी हथेली से माथे पे रखना है आपको अपनी हथेली को और बैक साइड में पुश करना है। अगेन आपको पूरी दोनों हथेलियों को, आपने पहली वाली एक्सरसाइज में सिर को नीचे झुकाया था, अब इस वाली में आपको बस पीछे की साइड में अपने दोनों हाथ लगाने हैं और आगे की तरफ अपनी नेक को पुश करना है, लेकिन नेक को नीचे नहीं झुकने देना है, नेक को सीधा ही रखना है और आगे की तरफ पुश करना है इस तरीके से, और आपको यहीं पर होल्ड करना है। नाउ रिलैक्स। अब आपको अपनी नेक को थोड़ा तिरछा करना है और सेम उसी तरह से हथेली को माथे पे लगा के अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। तो देखिए, यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से पुश करिए। सेम ये भी आपको हथेली से अपने सिर को पुश करिए और 10 seconds होल्ड कीजिए। अगेन सेकंड हैंड यूज़ करके 10 seconds होल्ड कीजिए, पुश कीजिए और इसको 10 times मॉर्निंग और 10 times इवनिंग में आपको करना। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट आपको करना है, अपने हैंड को आप ऊपर लेके जाएंगे स्लोली स्लोली, अपने हैंड को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे करना है जैसे ऊपर से आपके हाथ को कोई खींच रहा हो। इस तरीके से आपको अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ खींचना है और ये भी आपको 10 times करना है मॉर्निंग और इवनिंग में। और इसको भी ऊपर की तरफ खींचते टाइम आपको 10 seconds होल्ड करना है आपको एक ही पोजीशन में। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको अपने राइट हैंड को लेके जाना है लेफ्ट शोल्डर की तरफ और आपको दूसरे हाथ से अपनी एल्बो को, अपनी कोहनी को पुश करना है और पीछे की तरफ उसको दबाना है। ये देखिए, अब नेक्स्ट सेकेंड हैंड से आपको इसी तरह से करना है और उसको पीछे की तरफ पुश करना है। 10 seconds होल्ड करेंगे और 10 times इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये देखिए, दूसरे हाथ की मदद से आपको पीछे की तरफ अपने हाथ को पुश करना है। ये देखिए, इस तरीके से कुछ। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाना है अपने राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड की मदद से आपको अपनी कोहनी को पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे की तरफ दबाना है अपनी एल्बो को। रिलैक्स। नाउ ये देखिए, कोहनी को, हैंड को पीछे ले जाएंगे और दूसरे हैंड से अपनी एल्बो को पीछे की तरफ पुश करेंगे और इसको भी हम 10 seconds होल्ड करते हुए 10 times करेंगे। नाउ आप सेकंड हैंड को भी इसी तरीके से करिए, अपने अब लेफ्ट हैंड को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर और इसको भी हम इसी तरीके से पीछे की साइड में पुश करेंगे। नाउ रिलैक्स।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने जो शोल्डर्स हैं इसको शोल्डर्स को हमें क्लॉकवाइज पीछे की तरफ रोटेट करना है, घुमाना है। और ये भी आपको, ये आप 10 to 15 टाइम्स जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना आपको इसको करना है। पहले आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर इसी पोजीशन में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आप अपने हैंड को पीछे ले जाएंगे और दूसरे हैंड को नीचे से घुमाते हुए आपको इस तरीके से एक बंद बनाना है। आपको दोनों हाथों को जॉइंट करना है इस तरह से और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है ताकि आपके प्रेशर पड़े हाथों पे और शोल्डर पे। और इसको भी 10 टाइम्स होल्ड करते हुए आपको 10-10 टाइम करना है। सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, आपको जो मैं ये पोस्चर दिखा रही हूँ इस पोजीशन पे, इस जगह पे आपको धूप लगानी है। आप अपने कपड़े उतार, शर्ट उतार सकते हैं ताकि डायरेक्ट आपकी सनलाइट आपकी बॉडी पर लगे। सनलाइट से क्या होता है कि हमारी जो ये मसल्स हैं ये अच्छे से खुल जाती हैं और इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी इस जगह को डायरेक्ट सनलाइट लगाएं, तो इससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा।